वेलकम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आज हम करेंगे डीमर्जर। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। कई बार क्या होता है कि जो डीमर्जर है ये अमलगमेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनका जो मेन अटेंशन होता है टू कंसंट्रेट ऑन द कोर कॉम्पिटेंसी, तो इसीलिए वो क्या करती हैं, डीमर्जर करती हैं। डीमर्जर को हम सिंपल टर्म्स के अंदर ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, डीमर्जर इज ए डिवाइस वेयर बाय ए कंपनी विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ट्रांसफर इट्स वन और मोर अंडरटेकिंग और इवन ए पार्ट और डिविजन देयर ऑफ विद ऑल एसेट्स and liabilities to another company and its book value. Demerger के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बहुत सारे divisions हैं, तो वो सारे divisions के अंदर concentrate नहीं कर पाती, तो एक या दो division जो है वो अपनी demerge करना चाहती है, दूसरी company को वो transfer करना चाहती है, तो उसको हम demerger कह देते हैं। जैसे कोई कंपनी है उसका एक डिवीज़न फर्टिलाइज़र है, एक पावर डिवीज़न है, एक ट्रैक्टर डिवीज़न है, वो ट्रैक्टर डिवीज़न के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही, तो वो अपनी ट्रैक्टर डिवीज़न जो है बी कंपनी को ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो उसको हम डीमर्जर कहते हैं। डीमर्जर के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी अपनी डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर रही है उसको हम डीमर्ज कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी को ट्रांसफर होती है उसको हम रिजल्टिंग कंपनी कहते हैं। और डीमर्जर जो है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 19AA के अंदर। इसके अंदर ये होता है कि जितनी भी जो भी डिवीज़न हमने रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफ़र करनी है, जो डीमर्ज्ड कंपनी की प्रॉपर्टी है वो सारी रिजल्टिंग कंपनी की हो जाएगी, जो उसकी लाइबिलिटी है वो रिजल्टिंग कंपनी की हो जाएगी, और ये जो एसेट और लाइबिलिटीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये हमने बुक वैल्यू के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है, और रिजल्टिंग कंपनी जो है, जो कंपनी डीमर्ज हो जाती है उसके बदले में उसको शेयर इशू करती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। जो डीमर्ज्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं 75% जो रिजल्टिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स हो जाने चाहिए, और ये जो डिवीज़न या अंडरटेकिंग जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये गोइंग बिजनेस होना चाहिए, और इसके अंदर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन फिक्स की है तो वो भी हमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। और डीमर्जर के अंदर क्या है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स इंसेंटिव देती है, टैक्स इंसेंटिव वो डीमर्ज कंपनी को भी देती है, शेयर होल्डर को भी देती है, रिजल्टिंग कंपनी को भी देती है। जो डीमर्ज कंपनी होती है नेचुरली उसके बदले में उसको जो ऐसे ट्रांसफ़र करने के बदले में जो कंसेशन मिलता है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो 75% शेयर होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर डिवीज़न के, और अगर उन शेयर होल्डर के पास पहले से कोई शेयर है वो माइनस करके रिजल्टिंग कंपनी के 75% इन वैल्यूज होनी चाहिए, और अगर इसी तरह कोई फॉरेन कंपनी है वो अपनी इंडियन कंपनी के शेयर जो है दूसरी फॉरेन कंपनी को सेल कर रही है तो उसके अंदर भी ये कंडीशंस एप्लीकेबल हैं कि 75% जो शेयर होल्डर्स हैं इन वैल्यूज़ रिजल्टिंग कंपनी के होने चाहिए, और सेकेंडली जिस देश के अंदर वो डीमर्जिंग की प्रक्रिया कर रही है वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। उसी तरह ही शेयर होल्डर्स को भी टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको रिजल्टिंग कंपनी के अंदर शेयर्स मिलते हैं
उनको बेनिफिशियल प्रोविज़न दी जाती हैं, जो शेयर उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनका जो काउंटिंग पीरियड होता है वो रिजल्टिंग कंपनी के जिस दिन से उन्होंने शेयर अलॉट हुए हैं उस दिन से नहीं होता, उस दिन से होता है। उसका जो टाइम पीरियड, जो डीमर्ज्ड कंपनी होती है उसका टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है, उसका भी बेनिफिट दिया जाता है। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर हेल्ड बाय द असेसी इन द डीमर्ज्ड कंपनी इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी बिफोर द मर्जर। और उसी तरह जो कॉस्ट ऑफ शेयर हेल्ड इन डीमर्ज्ड कंपनी है, ये जो हमने जिस फार्मूले के द्वारा हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट की है वो उतनी वैल्यू से रिड्यूस हो जाती है। उसी तरह जो रिजल्टिंग कंपनी होती है उसको भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। अगर डीमर्ज्ड कंपनी, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डेप्रिसिएशन को कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने अज्यूम करना है कि कोई डीमर्ज नहीं हुआ, उसके बेसिस पे हमने पीरियड की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। जितने दिन वो एसेट डीमर्ज कंपनी के पास रही है, जितने रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए रिजल्टिंग कंपनी है उसका रेशियो कैलकुलेट करके उस डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और उसी तरह ही अगर डीमर्ज कंपनी ने कोई टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो है एक्वायर किया है, वो कोई ट्रांसफ़र किया है, उसका एक्सपेंडिचर जो है अमोर्टाइज नहीं कर पाई, तो जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसके अंदर रिजल्टिंग कंपनी जो है उस टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का जो एक्सपेंडिचर है उसको अमोर्टाइज कर सकती है। उसी तरह ही अगर डीमर्ज कंपनी ने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं जिसको उसने 5 सालों के अंदर अब्सॉर्ब करना होता है, अगर वो 5 सालों से पहले ही डीमर्ज हो जाती है तो जितना रिमेनिंग टाइम पीरियड है, जितना रिमेनिंग रह गए हैं एक्सपेंसेस, उनको रिजल्टिंग कंपनी अब्सॉर्ब कर सकती है। इसी तरह ही जो डीमर्ज कंपनी है, अगर उसने कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है जिसको 5 ईयर्स के अंदर अमोर्टाइज करना होता है, और अगर वो अमोर्टाइज करने से पहले ही सेल हो जाती है रिजल्टिंग कंपनी को, तो जितना रिमेनिंग अमाउंट है, अनअब्सॉर्ब अमाउंट है, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। उसी तरह कोई मिनरल की प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर इनकर करती है जो 10 ईयर के अंदर अमोर्टाइज करना होता है, और जितना अनअब्सॉर्ब अमाउंट रह जाता है वो रिजल्टिंग कंपनी जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। उसी तरह ही अगर डीमर्ज कंपनी जो है फैमिली प्लानिंग के अंदर एक्सपेंडिचर करती है, उसको उसने 5 सालों के अंदर अब्सॉर्ब करना होता है, अगर अब्सॉर्प्शन से पहले ही वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो जो रिजल्टिंग कंपनी है रिमेनिंग पीरियड के लिए उसका बेनिफिट उठा सकती है। उसी तरह ही कोई अनअब्सॉर्ब लॉसेस या डेप्रिसिएशन है तो उसका भी बेनिफिट उठा सकती है। उसी तरह ही कोई न्यू कंपनी है जो ATIB के अंदर या ATIB के अंदर या ATIC के अंदर या ATIE के अंदर टैक्स हॉलीडेज अवेलेबल है, और वो टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट उठाए बिना ही, मतलब पूरा उठाए बिना ही डीमर्ज हो जाती है, तो जो रिजल्टिंग कंपनी है वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए उस बेनिफिट को, उस रिडक्शन को, उस एग्जम्पशन को क्लेम कर सकती है। उसी तरह ही अगर डीमर्ज कंपनी को कोई एक्सपेंडिचर पड़ गया है, उसने इनकर किया है, और वो एक्सपेंडिचर बाद में जाके रिजल्टिंग कंपनी को रिकवर हो जाता है, तो जो रिजल्टिंग कंपनी है, रिजल्टिंग कंपनी के लिए वो जो एक्सपेंडिचर रिकवर होता है वो उस साल की इनकम माना जाएगा जिस साल उसको रिकवरी हुई है। और ये जितने भी बेनिफिट्स हैं जिस साल डीमर्ज होती है उस साल उसको जो एक्सपेंडिचर की अब्सॉर्प्शन है या वो उठा नहीं सकती, वो रिजल्टिंग कंपनी ही उसका बेनिफिट उठाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।